कैंटीन में बांध के डाल देते थे, हाथ लेके डुबा देते गरम पानी में। A body of just skin and bones, so thin and skinny that one can easily count the bones. This is Asifa Parveen. She is just 7 years old. Asifa's malnourished body is a grim portrait of the inhuman torture she has been through. What is even more shocking is the fact that all this torture and suffering has reportedly been inflicted by none other than her own father. This horrific incident was reported in Barala village under Balipatna police limits in Puri. According to Asifa, her father, stepmother and other family members tortured her. She was not given proper food and was not allowed to sleep. If she ever wished to move out of the house, she was allegedly beaten up and chained in the house. Even her schooling was stopped and she was prohibited from speaking to her biological mother. खाली पापा को घर के झाड़ू में मारते थे। कौन? वही बहन नानी चा। जंतिक में बांध के डाल देते थे। हाथ लेके डुबा देते। गरम आमानी में खाने देते थे मारा मारा बार। पखल बार जंतिक डाल देते थे। सोने देते थे ने खाली सोने से जन उधर जन बेस ने बेस को पर बेस के तले बांध देते थे जो हाथ को पांव को पापा पिके खाली मारते थे टूटा टूटा को। It's been over a year since little Asifa is living this dreadful life. A year ago, Asifa's father Bilal Khan divorced his wife and the girl's biological mother Rijwana Parveen. Then he got married for the second time. However, Bilal kept Asifa with him. When Rijwana Parveen realized about the torture and suffering of her daughter Asifa, she along with some social workers rescued her and admitted her to Capital Hospital. Rijwana also reported the matter at the Balipatna police station. एबे तो माने आरा वर्ष पिला नेले फाइनल हेला जे मते निर्जातना कले जौतुक पई माने डिपेंड कले कले तते मारिबू माने आ तू रहिबू भी एमे तते पगड़ा करके रखिबू मा झिया को मारिबू नले एमती करके रखिबू घरे चाकरणी परिवार आ गोटे बाहा करके आनिबी माने मो ऊपर आ गोटे बाहा हितला मैरिज करतला ताकु छाड़ पत्र देले ता झिया को रखि जंती पत्र लोकन को पछले ना झिया भलो अछि माने यांको गांर सासुघर गांरे माने नुची के भी जाए पचारे भद्रलोक ना भल अच्छी खाए पिए भल रुहे माने मु बाहर शुणे कि तो झील को बाड़ बहुत बाड़ राति कांदे राति दिन जब कह मामी पाखे छाड़ी दिए माँ पाखे सब कहीं माँ माँ हो कि बहुत बाड़े खाया पिया को भी देवेन नहीं कि आसला पर एमती देख ली ना दीज भद्रलोक कहले कि से मरीज आ मानते मो शशुर बुढ़ा से कहला झील को नबू से जब ने कह नहींजे ना आम मारिक पोति दबू मैंने शशुर शाशु दीटा नणंद आउ जो दिवर अच्छा तीन टा समस्त मिसिकी मैंने ये करते गोटे गोटे झीठ कथा कह दीटा कथ कहली खराब थी ये झील को जो नेल तुम जबरदस्ती पिलार दोष कौन अच्छे कहते मुझ माँ पाखे रही कि माँ पाखे जी उठनी लगाए या मैंने यार कौन दोष अच्छी मामे बहु है कि किछि कहितो पिला त कोन कला। मीनवाइल बिलाल हैज सेड दैट आसिफास हेल्थ कंडीशन डिटेरियोरेटेड इन द ग्रीफ ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर। बिलाल आल्सो सेड दैट आसिफा विल स्टे विद हर मदर एंड ही हैज प्रोवाइडेड ₹30,000 फॉर ट्रीटमेंट। 6 मास जे पिला खाई पी पूरा सुस्त पुस्त ही रहला से 2-3 थोर आसी इठी भिड़ा उठरा करी नै गला जियो नै गला खाय पिया जा गला दे लागल घूम सुमई के बसला पूरा बसला पर मुझे मुझे कहली आम ना एमती एम कथा पिलाटा पूरा तुम ये आउ तुम्हें किसी कर यार बाट कर बो पाक खाली बो आई अजा एमती होती लास्ट को कहली मुझे पंचु लोक को
जहाँ भी पैसा दिया दे बो पाखे छाड़ी दिया भले कि से किसी नुह से किसी नुह से क्षीर बसला से नहीं हाथ ये सर खाया हाथ नहीं पूरी दी पुणी ये हाथ भी पूरी दी मुझे जा दुकान आसला से एमती रखी था सी जमी फाटी जाइए से पड़ा पुणी जाए सांगे सांगे भाईना औषध आणिक दिली मुँह दिली मो सान भाई भी कहली जा नसुदी आउ नहीं आसी On 8 July, Childline intervened and has been providing all necessary care, medicines and food at the hospital to Asifa. After the intervention of Childline officials, a case was registered at Balipatna police station based on the complaint filed by Asifa's grandfather. Later on Friday, that is July 9, police arrested Asifa's father and stepmother on charges of torture. से संबंध में गोटे केस रुजु होता बालीपाटना थाना रे आम घटना गुरुत्व देखल अत्यंत कष्ट परिस्थिति से झीटी थी छोट झीटी तापर बहुत निर्यातना दिखाई आेणु 307 दफा रुजु अन्न्य से दफा लगी से पिलार बापा और माँ जो मैंने निर्यातना दूसरे आज बालीपाटना थाना गिरफ्त कर Bureau Report, OTV News.